Good morning, students. Today we are going to teach you subject SST, class 1 and lesson 2. Lesson I mean helping each other. This lesson complete ho gaya aap log ka, but question answer left tha. To page number 9. Dekhiye, take the right answer. Who earns for the family? Family ke liye kaun earns money karte hai? Father, sabhi ko maloom hai. Number 2, who cooks food for the family? Hamare parivar ke liye gharon mein bhojan kaun banati hai? Mother, maa. नंबर 3 हु हेल्प्स मदर इन द किचन घर में मां का हेल्प कौन करता है किचन में डॉटर नंबर 4 हु क्लीन्स फादर्स का पापा का कार कौन साफ करता है सर एंड आप लोग भी करते होंगे नंबर 5 हु वाटर्स द प्लांट्स प्लांट्स में वाटर सॉरी यस प्लांट्स में वाटर कौन देते हैं चिल्ड्रन ओके एंड नेक्स्ट नंबर बी फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स फ्रॉम द टूल बॉक्स ये टूल बॉक्स आपको दिया गया है आप इसे हेल्प ले सकते हो नंबर 1 That's done with each other cooperation. What? Family. And necessary number 2 necessary things are bought with money. जो भी जरूरतमंद सामान है वो बिना मनी के आ सकता है क्या नहीं? That's look after the house. घरों को कौन देखती है? माँ, मदर. Number 4 That's water the plants. Plants में waters कौन देते हैं घर में? Childrens. And number 5 That's look after their children. हमें कौन हमारा देखभाल शुरू करता है हमारे पेरेंट्स ओके एंड नंबर 3 राइट ट्रू फॉल्स सी नंबर 1 द फैमिली मेंबर्स शुड नॉट हेल्प ईच अदर क्या हमें अपने परिवारों का हेल्प नहीं करना चाहिए नहीं गलत फॉल्स वी कैन बाय थिंग्स विदाउट मनी बिना मनी का कुछ भी खरीद सकते हैं नो फॉल्स नंबर 3 केयरिंग एंड शेयरिंग मेक अ फैमिली हैप्पी केयर और शेयर करने से क्या हमारा परिवार खुश रह सकता है यस नंबर 4 मदर्स क्लीन द हाउस एंड कुक फूड इन अ फैमिली घर में मां भोजन बनाती है और घर को भी क्लीन रखती है परिवारों के लिए भोजन बनाती है यस या नो यस ट्रू नंबर 5 चिल्ड्रन शुड हेल्प देयर पेरेंट्स एट होम क्या बच्चे को घर में अपने परिवार के लिए अपने पेरेंट्स के लिए हेल्प करना चाहिए हाथ बजाना चाहिए यस आंसर इज ट्रू पेज नंबर 10 लुक एट द पिक्चर्स राइट द नेम्स ऑफ एक्टिविटी आप इसे एक्टिविटी को देखिए और ये आपको टूल बॉक्स दिया गया है इससे आप हेल्प ले सकते हो तो फर्स्ट नंबर में माँ क्या कर रही है क्लीनिंग बर्तन साफ कर रही है तो क्लीनिंग लिखेंगे एंड नंबर 2 ये गर्ल्स क्या कर रही है झाड़ू लगा रही है स्वीपिंग एंड नंबर 3 ये गर्ल्स क्या कर रही है पोछा कर रही है तो आपको ये ऑप्शन दिया हुआ है मूपिंग फ्लोर को साफ कर रही है नंबर 4 ये बॉयज क्या कर रहा है वॉटरिंग प्लांट्स प्लांट्स में पौधे में पानी दे रहा है एंड नंबर 5 ये बॉयज क्या कर रहा है अनग्रीनेस जो घर में लाइक जैसे फ्रिज टीवी गॉडेज उसको हम अनग्रीनेस कहते हैं सो और ये क्या कर रहा है ये साफ कर रहा है और नंबर 6 गेटिंग मिल्क व्हाट ये मिल्क लेके आ रहा एंड नंबर ई आप एक अच्छे से देख लो ओके एंड एंसर टू फॉलोइंग क्वेश्चन आप लोग क्वेश्चन आंसर बनाएंगे तो जो आंसर इज ई नंबर 1 हु लुक्स आफ्टर चिल्ड्रन एंड योर आंसर इज पेरेंट्स इन शॉर्ट फॉर्म में आंसर लिखेंगे आप आंसर ऐसे लिख सकते हो हु लुक्स आफ्टर चिल्ड्रन तो पेरेंट्स लुक आफ्टर चिल्ड्रन यू कैन राइट बट आपका शॉर्ट फॉर्म में आप जितना शॉर्ट में लिखोगे उतना अच्छा क्योंकि आपका एमसीक्यू का जमाना आ गया है एंड नंबर 2 हु अर्न्स मनी फॉर द फैमिली सभी को मालूम है कि हमारे परिवार के लिए मनी कौन अर्न करते हैं पापा किसी के घर में माँ भी करती है अर्न मनी ऐसी बात नहीं है नंबर 3 व्हाई डज ए फैमिली नीड मनी घर में मनी का क्यों जरूरत है परिवारों को क्यों जरूरत है ए फैमिली नीड मनी टू बाय फूड क्लॉथ बुक एंड एक्सेट्रा वेजिटेबल्स वॉट एवर जो भी हमारे घर में जरूरतमंद सामान है वो मनी से ही अर्न होता है हु लुक्स आफ्टर द हाउस इसके बाद जो बचा और वर्क वो कौन करती है वो हमारी माँ करती है हमारे घर को देखना साफ करना बच्चे को केयर करना बच्चे को स्कूल पहुंचाना कौन करता है मदर नंबर 5 हु हेल्प्स मदर इन द किचन माँ
अपने एकदम राइट नीचे इन तीनों के मतलब साफ सुथरा लिखना है और लेसन कंप्लीट करके आपको स्कूल में सबमिट कर देना। ओके थैंक यू।